पान के पत्ते पे है, पान बोलते ना, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े में। तो जैसा कि दिवाली है, अगर दिवाली आती है तो घर में बहुत सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने भी कुछ शॉपिंग किया और आपको दिखाती हूँ। अब मेरी शॉपिंग कुछ ऐसी वैसी नहीं है, मेरी शॉपिंग कुछ खास है, क्योंकि मैं सिएटल में बैठी हूँ, बट मैंने अपनी सारी शॉपिंग इंडिया में की। एक्चुअली मैंने अपनी सारी शॉपिंग amazon.in से किया है। एक लोग इंडिया से आ रहे थे और मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी दीपावली के लिए मंगाई, और मैं एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या मंगाई हूँ, क्योंकि सबसे पहले दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है, तो मैंने सोचा कि उनको तो मंगाना ज़रूरी है, तो मैंने उसको मंगाया और आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं ओपन किया है, धनतेरस के दिन मैं उनके घर जाके वो सारा सामान लेके आई, क्योंकि मैंने सोचा धनतेरस है तो सब कुछ लाना चाहिए। और धनतेरस को मैंने भी कोई कुछ शॉपिंग किया है यहाँ पर भी, मैं उसको भी दिखाती हूँ। ये है गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, तो मैं आपके सामने इसको खोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने तो उस अमेजॉन के पैकेट से, मतलब जिससे मैंने मंगाया था, उन्होंने उसको वहीं पे अनपैक कर दिया था, क्योंकि पैकेट बहुत बड़े बड़े होते हैं और वहाँ वो इंडिया से यहाँ पे लाते तो उनका काफ़ी सामान हो जाता। तो ये है, इसमें देखिए दीपक जला सकते हैं, मैं एक एक करके सेलेक्ट करके मंगाई हूँ। ये देखिए, ये पैकेट में ही है ये माला, इसको मैं सजाने के लिए मंगाई हूँ। सबसे खास चीज़ मैं दिखा रही हूँ जो प्रूव करता है कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं, वो मैंने कई घरों में देखा। मैंने सोचा मुझे भी अपने घर के सामने उसको लगाना चाहिए, जैसे कि अगर कोई देखे तो बोले कि हाँ ये लोग इंडियन हैं। मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए, इसको देख कर सब लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग इंडियन हैं। तो मैं भी अपनी पहचान बनाने के लिए कि मुझे बिना देखे मेरे घर के बाहर से ही लोग जान जाएं कि इसमें कोई इंडियन रहता है, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। और ये अभी मैंने ओपन नहीं किया है, मैंने माला मंगवाया था जो भगवान को पहनाते हैं। देखती हूँ, देखिए तो बड़े ही अच्छे पैकेट में डाल के रखा हुआ है। और या ये वाला माला है, तो मैं आज जो है तो आज मैं पूजा करते टाइम भगवान को पहनाऊंगी ये माला। ये भी मैंने मंगाया है, तो शायद छः माला है ये भगवान को पहनाने के लिए। अच्छा है ना, बताइएगा आप लोग कैसा है। तो हमने एक चुन चुन कर मैंने शॉपिंग किया है दिवाली के लिए, खास भगवान को ध्यान में रख करके कि भगवान जी को क्या पसंद है, क्या हमारे इंडिया में लोग पूजा करते टाइम यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं चुन चुन कर मंगवाई हूँ। और मैंने एक कृष्णा की, देखिए राधा कृष्णा की भी एक मूर्ति मंगवाया है, ये बहुत ही प्यारी मूर्ति दिख रही है देखने में। और ये क्या है, ये क्या है, ये है दीपक, शायद ये दीपक है क्योंकि ये पीतल का दिख रहा है, अभी मैंने खोला नहीं है। देखिए कितने अच्छे से पैक किया है, मैंने पीतल के कुछ दीपक मंगवाए थे, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के दीपक ज़रूरी नहीं है, मुझे हर बार मिल जाए, इसलिए मैंने पीतल के दीपक मंगवा लिए हैं। कि ये रहा दीपक, अच्छा दिख रहा है देखने में, मैं देखती हूँ आपको भी दिखाती हूँ इसको। ये देखिए ये दीपक कितना प्यारा प्यारा दीपक है, तो ऐसे ऐसे करके ये देखिए इसमें 12 दीपक ऐसे ऐसे करके हैं, काफ़ी अच्छा है और हैवी भी है, मतलब वो डील अच्छी हुई, क्योंकि ऑनलाइन देख लो समझ में नहीं आता कि कैसे होगा, वो रिव्यू वगैरह पढ़ के आप मंगा सकते हैं, बट अच्छा है। मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लगेगा ये देखने में। तो ये रहा दीपक, देखिए ऐसे लगेगा देखने में, बिल्कुल दीपक जैसा है, तो मतलब मैंने इसको खरीद करके अच्छा किया। और ये रहा मेरे घर के बाहर का व्यू, मैं विंडो के सामने बैठी हूँ और ये मेरा व्यू देखिए, कितना पूरा सिटी का व्यू यहाँ से दिख रहा है। और नीचे देखिए ब्लू कलर की गाड़ियाँ दिख रही हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है बगल में। और मैंने यहाँ से मिट्टी के भी दीपक खरीदे हैं, देखिए ये दीपक है, इसको मैंने यहाँ पे बगल में एक इंडियन स्टोर था वहाँ से मुझे ये दीपक मिल गया। और देखिए मैं एक सरसों का तेल भी खरीद के लाई हूँ, देखिए कैसे टेढ़ा मेढ़ा सा डिब्बा इसका है,
ये भी न्यू खरीद के लाई हूँ। इस तरह सारे डब्बे उसके ऐसे ही हुए थे। एक्चुअली यहाँ की मॉल शॉपिंग मॉल में जो अमेरिकन शॉपिंग मॉल है वहाँ पे सरसों का तेल नहीं मिलता है, तो अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इंडियन स्टोर में ही जाना पड़ेगा। ऑलिव ऑयल या तो कोकोनट का ऑयल यूज करती हूँ, तो सरसों का तेल मैं नहीं यूज करती। बट आज दीपक जलाना था तो मैंने देखा सरसों का तेल नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको खरीदा, क्योंकि मैंने दीपक तो खरीद ही लिए हैं इतने सारे, और मेरा दीपक बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए प्यारा प्यारा, ये कितना सुंदर ये लग रहा है, और प्यारी सी मेरी भगवान की मूर्ति भी कितनी प्यारी है, मतलब मेरी डील अच्छी हो गई है। मैंने गणेश भगवान की एक प्यारी सी मैंने फ़ोटो और ली है, मैं आपको उसे दिखाती हूँ। उसको डोर वगैरह के पास अगर लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये रही वो गणेश की मूर्ति, इसको भी ओपन करके करती हूँ। देखिए ये भगवान जी पान के पत्ते पे बैठे हुए ना, पान बोलते ना, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन के भोग लगे संत करे सेवा। तो लड्डू मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ तो खरीदा है बट मैंने लड्डू नहीं खरीदा, मुझे वहाँ पे लड्डू नहीं मिला, तो मैं लड्डू अपने हाथ से बनाऊंगी अपने बप्पा जी को लड्डू चढ़ाने के लिए। है एक तो गुलाब जामुन, ये नानक का, नानक ब्रांड यहाँ पे बहुत ही फेमस है। काजू कतली रस मलाई नानक का, इसकी ये रहा मिल्क केक। और भी मैंने कुछ शॉपिंग किया है उसको भी मैं आप लोगों को दिखाती। कुर्ता मंगवाया है इंडिया से जो है, क्योंकि इतनी वेयर यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये कुर्ता है। और एक ये इस कलर में मंगवाया है, ये येलो कलर में करके है। इस कुर्ता को ऑर्डर किया तो दिखा रहा था कि जिस डेट को वो लोग चलेंगे तो ये नहीं मिल पाएगा, तो मैंने सोचा लाओ इसको भी रखती हूँ, आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक दूसरा मैंने ऑर्डर किया कि उस डेट को मिल जाएगा। बट ये मुझे ज़्यादा पसंद है, इसका कलर वगैरह भी ज़्यादा प्यारा है। बट अच्छा हुआ कि ये उनके निकलने से पहले आ गया। कि यहाँ पे चीज़ों की कमी नहीं है, जैकेट यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है वो सब, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसका जिससे दिल से मतलब लग गया है कि वो हमारे इंडिया में ही मिलती हैं। यहाँ भी मिलती होंगी बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, और मैं सारी चीज़ें वैसी चीज़ें मैं इंडिया से ही लेती हूँ और लाती हूँ। अगर कोई मिलता है तो उससे मैं मंगवा भी लेती हूँ, जैसे कि ये इनर ऐसे मैंने 3-4 इनर मंगवाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा होता है, इसको यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है तो इसको पहन लो, और उसके ऊपर से जैकेट वैकेट करो, थोड़ा टाइट टाइट रहता है तो अच्छा रहता है। ये एक साड़ी भी मंगवा लिया है मैंने, देखिए एक साड़ी भी मैंने मंगवा लिया, ये देखिए इसको भी मैंने मंगवाया है। अच्छा अगर मुझे कुछ लग रहा है तो ये दीपक लग रहा है, बड़ा ही प्यारा प्यारा दीपक है, और ये भगवान की मूर्ति। तो सब कुछ मुझे मिल गई, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी दिवाली की शॉपिंग कैसे लगी आप लोगों को प्लीज़ उसको बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।